हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का पार्ट है हमारा सीड साइंस का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सीड क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे जो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ट्रूथफुल लेबल सीड, और हमारा कि जो सीड की जो क्वालिटी होती है, जो गुड क्वालिटी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो सीड में है, जो अलग अलग टाइप की सीड्स होती है, उसमें कैसी कितनी प्योरिटी होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर्स किसके, गुड क्वालिटी सीड्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी जेनेटिकली प्योर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का जो सीड है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। और अगर हम टाइप्स ऑफ सीड्स की बात करें, ठीक है, और इनमें प्योरिटी की बात करें, तो क्या है हमारा पहला जो सीड आता है, हमारा है ब्रीडर सीड, जिसे हम न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्योरिटी होती है, ये डेटा याद रखना, जो प्योरिटी होती है पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव 100% होती है। ब्रीडर में कितनी प्योरिटी होती है, 100%। ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड होते क्या है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ब्रीडर में जो प्योरिटी है हमारी 100% है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाला जो सीड है, जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड, इसमें जो हमारी प्योरिटी है वो कितनी है, 99.5% प्योरिटी है। थर्ड में सर्टिफाइड में क्या है हमारी, 99% है, इजिली लर्न हो जाएगा। ब्रीडर में क्या है, 100%। फाउंडेशन में आप आओगे तो कितनी है, 99.5%, और सर्टिफाइड में आओगे तो बिल्कुल 99%। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा, इट शुड हैव द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या जरूरत होती है, ठीक है, इसको क्या जरूरत होती है, फिजिकली क्या होना चाहिए, ये फिजिकल भी इसमें क्या होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम अपने एक जैसे बात की जाए, किसी भी गुड क्वालिटी के जैसे बेसिक कैरेक्टर्स की बात की जाए, तो उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो अच्छी विगर होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें किसी और क्रॉप के भीड़ नहीं होने चाहिए, समझ में आए, उसमें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर वायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, जो सीड है हमारा बच्चे, उसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, अब हम अगर हम बात करें सीड और परसेंट की, परसेंटेज की कितना उसमें फिजिकल प्योरिटी है उसकी बात करें, तो हम अब चेक करते हैं, देखते हैं इसमें जो हमारा मिनिमम जो हमारा फिजिकल प्योरिटी है, ठीक है ना। तो हम अगर देखेंगे तो हमारा सबसे पहले आता है क्रॉप कौन सा है, कैरेट। कैरेट में जो मिनिमम फिजिकल प्योरिटी है, ठीक है, कितनी है, 95%। ओकरा, वाटरमेलन एंड अदर कुकुरबिट्स में 99, ग्राउंडनट 96, रेप सीड एंड मस्टर्ड सेम 97, एंड अदर क्रॉप्स में कितनी है हमारी, 98 मिनिमम फिजिकल प्योरिटी है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्योरिटी, ये याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, जो कैरेट की है वो कितनी, अदर क्रॉप्स में जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्लाइड देखते हैं हमारी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारा इंपॉर्टेंट, जो दो पॉइंट्स होते हैं हमारे, एक होता है एसएमआर, एक होता है एसएसआर। एसएमआर मींस सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, एंड एसएसआर एसआरआर मींस सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब हम पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो है क्या, इट इज द नंबर ऑफ सीड्स, क्या है ये, इट इज द नंबर ऑफ सीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सीड व्हेन इट इज सोन एंड हार्वेस्टेड, ठीक है। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन रेशियो है, ये क्या है हमारा, आप किसी भी सीड को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो सीड क्या होता है, ग्रो होता है, और एक क्या करता है हमारा, प्लांट बन जाता है, एक बड़ा सा क्या बनाता है, प्लांट बनाता है, और क्या करता है, हमें सीड भी प्रोड्यूस करता है और हमें काफी सीड देता है। तो मींस एसएमआर मींस हमारा ये है कि एक सीड आपका कितने सीड प्रोड्यूस कर सकता है, इट इज नोन एज सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो। ओके, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट, जिसे हम बोलते हैं एसआरआर। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है हमारा, सीड रिप्लेसमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन, क्या बोला, परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड इन दिस सीजन बाय यूजिंग
सर्टिफाइड या फिर क्वालिटी सीड्स अदर देन दी फार्म सेव्ड सीड इट इज कॉल्ड एस आर आर। अब हम इसे ऐसे समझते हैं, हम माना जब हम किसी क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उस एरिया में, मींस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, या उस कंट्री में हो, कंट्री मतलब हमारे भारत में हो, इंडिया में हो, जब हम किसी क्रॉप में ग्रो करते हैं तो क्या होगा, तो कितने फार्मर्स ने, ठीक है, क्या ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं, कितने फार्मर्स ने क्या किया, जो पुरानी क्रॉप का सीड यूज किया, पुरानी क्रॉप से क्या मतलब है, जो उन्होंने पिछले साल जो ग्रो की थी, जो उसका सीड जो उनके पास हुआ, जो उस सीड को उन्होंने यूज किया, और कितने फार्मर्स ने क्या किया, मार्केट से हाइब्रिड सीड्स लाकर यूज किया, वो क्या बन जाता है हमारा वो SRR क्या बनता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट बनता है। अगर एक एग्जांपल ले, माना हमारा एक एरिया है, मेरे एरिया के अंदर क्या है, 50 क्या है फार्मर्स हैं, ठीक है, मान लिया 50 में से जो 25 फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट से हाइब्रिड सीड्स लाए हैं, ठीक है, और जो बचे हुए 25 फार्मर्स बचे हुए हैं उन्होंने क्या किया, पुराना सीड यूज कर लिया। तो जो मेरे एरिया का SRR मीन सीड रिप्लेसमेंट रेट निकलेगा कितना बन जाएगा, 25% सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अब क्लासेस ऑफ सीड। क्लासेस ऑफ सीड क्या है हमारा, पहला सीड आता है हमारा ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, एंड लास्ट इज ट्रुथफुल लेबल्ड सीड। ये जो मैंने कलरफुल सा इसका जो बैकग्राउंड रखा है, ब्रीडर फाउंडेशन, ये इसका भी कुछ रीजन है। रीजन इसका ये है कि जो ब्रीडर सीड है इससे आपको इजिली लर्न हो जाएगा, जो ब्रीडर सीड है इसके जो मैंने बैक में ये येलोइश रखा है, इसको ब्रीडर सीड को के ब्रीडर सीड को क्या मिलता है हमारा, गोल्डन येलो टैग मिलता है, फाउंडेशन सीड को व्हाइट टैग मिलता है, सर्टिफाइड सीड को ब्लू टैग मिलता है, ट्रूथफुल लेबल सीड का ऐसा कोई ये नहीं होता है कि इसमें तुम्हें सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो लेबल सीड होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कि हमारा एग्जैक्ट ब्रीडर सीड है क्या, ब्रीडर सीड हम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है ब्रीडर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग न्यूक्लियस सीड। क्या बोला, ब्रीडर सीड क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे, न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करते हैं इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज एंड द सुपरविजन ऑफ अ ब्रीडर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, जेनेटिक प्योरिटी क्या है इसकी, ब्रीडर सीड्स की 100%, ये पता होना चाहिए। जो हमारे ब्रीडर सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है कितनी होती है, 100%। और जो इसको जो टैग प्रोवाइड होता है, जो टैग एंड दी टैग प्रोवाइडेड फॉर द ब्रीडर सीड इज गोल्डन येलो इन कलर। जो टैग प्रोवाइडेड है, आप ये स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जो शो रही है ये देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये ब्रीडर टैग है, गोल्डन येलो कलर का है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक ब्रीडर सीड है, क्या है हमारा, ब्रीडर सीड है। और एक बात ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस सीड होता है वो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रो नहीं होता है, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जो ब्रीडर सीड्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। और दूसरा जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है कितनी होती है, 100%। और जो इसको टैग प्रोवाइड होता है ब्रीडर सीड को, क्या होता है, गोल्डन येलो इन कलर। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, सेकेंड है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या होता है, फाउंडेशन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रीडर सीड्स। क्या है फाउंडेशन सीड, क्या करते हैं प्रोड्यूस, ब्रीडर सीड। ध्यान रखना, फाउंडेशन सीड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ब्रीडर सीड। और ब्रीडर सीड क्या कर रहे थे हमारे, क्या कर रहे थे ब्रीडर सीड हमारे, यू प्रोड्यूस क्या कर रहे थे हमारे ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड्स इट इज प्रोड्यूस्ड एट गवर्नमेंट फार्म्स और एनी प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो हमारे फाउंडेशन सीड्स है ये जो प्रोड्यूस होते हैं कहां से, ब्रीडर सीड से। और नेक्स्ट हमारा आता है जो इनको जेनेटिक प्योरिटी मिलती है, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द फाउंडेशन सीड्स इज 99.5% एंड इट्स सर्टिफिकेशन टैग इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, ये जो मैंने लगा रखा है ये पिक्चर, यहाँ पे क्या है, ये फाउंडेशन टैग है, ऐसा फाउंडेशन टैग मिलता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो फाउंडेशन टैग का क्या होता है, फाउंडेशन जो सीड होती है उसको जो प्रोवाइड होता है, जो उसको टैग मिलता है कैसा कलर होता है, व्हाइट होता है। इसमें एक चीज ये भी पूछी जा सकती है, जो जेनेटिक प्योरिटी होती है किस क्या होती है, 99.5%।
और जो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, ब्रीडर सीड्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड सीड जो हमारी है, वो है हमारी सर्टिफाइड सीड। अब सर्टिफाइड सीड के नाम से समझ आ रहा होगी कि सर्टिफाइड सीड है तो भाई इसको सर्टिफिकेशन भी चाहिए। अब कहां से चाहिए बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा जो सर्टिफाइड सीड होता है ये क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं सर्टिफिकेट, इवन अभी भी करते हैं, ठीक है, पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो मेनली जो हमारे फार्मर्स है वो सर्टिफाइड सीड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है सीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड्स। अब देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है सीड, ये हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है फाउंडेशन सीड, मतलब सर्टिफाइड जो सीड है हमारा ये फाउंडेशन सीड, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इज टेकन अप बाय दी किसकी, नेशनल एंड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सीड कंपनीज एंड ऑल्सो बाय फार्मर्स। क्या बोला है, जो सर्टिफाइड सर्टिफाइड सीड्स है ये किसे टेकन अप, नेशनल स्टेट सीड कॉर्पोरेशन और प्राइवेट सीड कंपनीज क्या करती है, एंड ऑल्सो, और ये क्या कर सकता है, फार्मर्स भी इसे कर सकता है। मीन्स क्या है इसका, जो हमारा सर्टिफाइड किया जाता है उसे कौन करता है, ठीक है, जो हमारा जो सीड है जैसे नाम से पता चल रहा है सर्टिफाइड, तो इसे सर्टिफिकेशन भी चाहिए, वो कौन करेगा, नेशनल सर्टिफाइड एजेंसी करती है। कौन करती है, नेशनल सर्टिफाइड एजेंसी करती है, या फिर क्या कौन करती है, स्टेट सीड एजेंसी करती है, ये कोई भी करेगा, बट इसका जो सर्टिफिकेशन है जिसके नाम से पता चल रहा है वो बहुत जरूरी है, वो होना ही होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं हम, जैसे माना हम घर के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट ला रहे हैं खाने के लिए, ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप कभी भी चेक करोगे तो उसमें जो FSSAI होता है उसका स्टैंप लगा हुआ होता है, हमेशा नोटिस करना, ठीक है। तो इस मतलब उसे किसने सर्टिफाइड, इसे मतलब किसने सर्टिफाइड किया, FSSAI ने सर्टिफाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, सर्टिफाइड सीड कौन करता है, हमारी जो नेशनल सर्टिफाइड एजेंसी होती है, स्टेट सीड एजेंसी होती है, वो सीड्स को क्या करती है, सर्टिफाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जेनेटिक प्योरिटी, क्या बोला, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सर्टिफाइड सीड इज 99% एंड द सर्टिफिकेशन टैग प्रोवाइडेड इज ब्लू इन कलर। इसमें कैसा प्रोवाइड करा जाता है टैग, जो जेनेटिक प्योरिटी है इसमें होती है 99%, और जिसमें जो टैग प्रोवाइड किया जाता है कौन सा किया जाता है, ब्लू होता है उसका कलर, कैसा होता है कलर, ब्लू कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमारा आता है ये, देखो ये है सर्टिफाइड सीड है ये, ठीक है, इसको जो ये टैग मिलता है ये ब्लू कलर है, ठीक है, इसका जो टैग प्रोवाइडेड है कैसा होता है कलर में, ब्लू एंड कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रुथफुल लेबल्ड सीड, अब ये क्या होता है, ठीक है, ट्रूथफुल लेबल जो लेबल्ड सीड है वो क्या होता है, दीज टाइप ऑफ सीड्स डज नॉट कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सीड। देखो जो हमारी ट्रूथफुल लेबल सीड होती है ये किसके अंडर नहीं आती, इसमें इसको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, आप लो या मत लो, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि ये वाली जो सीड्स होती हैं ये डिपार्टमेंट, ये किसके सीड सर्टिफिकेशन के डिपार्टमेंट में इसे नहीं भी चाहिए होता, उसके अंदर में ये नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं अपना, दीज काइंड ऑफ सीड्स आर टेस्टेड ओनली फॉर इट्स फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन। ये जो सीड्स होती हैं ये किस चीज के लिए, सिर्फ टेस्टेड ओनली क्या, फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन के लिए यूज होती है। मीन्स क्या है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी प्राइवेट कंपनीज या फिर कोई भी क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। जो हमारी ट्रूथफुल लेबल सीड है, ठीक है, उसे मैं या तुम या हम कोई भी प्राइवेट कंपनीज क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। उस केस में क्या है, सर्टिफिकेशन क्या कंपल्सरी नहीं होता है, सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एनी फार्मर कैन प्रोड्यूस सीड्स एंड मार्केट इट एज ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स। कोई भी फार्मर इसे क्या कर सकता है, ये सीड प्रोड्यूस कर सकता है और मार्केट में बेच भी सकता है, दे भी सकता है, उसमें सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट ट्रूथफुल लेबल, उसमें लेबल लगा होना चाहिए,
अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लेबलिंग इज कंपलसरी बट सर्टिफिकेशन इज वॉलेंट्री। अब क्या है इसमें, क्या होता है जो हमारा इसमें लेबलिंग है वो क्या होती है कंपलसरी होती है, और सर्टिफिकेशन क्या है वॉलेंट्री है, मतलब आपका मन है तो कराओ, नहीं है मन तो मत कराओ। समझ आया? तो हमारा इसमें क्या था, ट्रूथफुल लेबल सीड में क्या था कि इसे कोई भी मैं या कोई भी फार्मर्स है, कोई भी सॉरी प्राइवेट कंपनीज वगैरह है, इसे प्रोड्यूस कर सकता है, उस केस में इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसे कोई भी फार्मर प्रोड्यूस कर सकता है और मार्केट में क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, उसमें सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं होता है, एक्सेप्ट किसके, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स के, मतलब उसमें ट्रूथफुल का कुछ लेबल लगा होना चाहिए, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है ठीक है, ये ट्रूथफुल क्या है लेबल ऐसा होता है ये, ठीक है। तो लेबलिंग क्या है इसमें कंपलसरी है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन क्या है हमारा वॉलेंट्री है। तो हमारा ये आज का यहाँ पे इतना इनफ है, इतना खत्म हुआ हमारा। अगर आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।